Hello friends, myself Rashmi Patel. In this video we learn another new lesson in Moments books, Workbooks 9, chapter number 4, In the Kingdom of Fools. A Kannada folk tale from A.K. Ramanujan's folk tales from India. Take Kannada religious लैंग्वेज है तो वहाँ का जो फोक टेल है वो राइटर ने बताया। तो ये जो किंगडम है एक फुल किंगडम है, वहाँ जो वहाँ के जो इस किंगडम का जो किंग और मिनिस्टर है वो दूसरे किंगडम के जो किंग और मिनिस्टर है उससे कुछ अलग करना चाहते थे। तो ये जो किंगडम था वो एक फुल का किंगडम था। तो हम हमारा लेसन शुरू करते हैं। I will explain you difficult meaning. I read a story and I tell you. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. Idiots means fool. जो मूर्ख होते हैं वो। ये जो राज्य था वो किसका था? मूर्ख लोगों का राज्य था। वहाँ जो ministers और king थे दोनों idiots थे, fools थे। They did not want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. तो इस किंगडम का जो राजा और मिनिस्टर थे वो दूसरे राजाओं की तरह नहीं थे, वो उनसे कुछ अलग सोचे थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग जो वो डे को नाइट की तरह ट्रीट करेंगे और नाइट को डे की तरह ट्रीट करेंगे, वो चेंज करेंगे। कैसे? तो जो नाइट में काम होता है वो दिन में करेंगे और दिन में जो काम होता है वो नाइट में करेंगे। तो हम नाइट में सोते हैं तो वो काम कब करेंगे? वो लोग दिन में करेंगे, दिन में सोने का काम करेंगे और रात को काम करेंगे। कोई फार्मर होगा तो फार्मिंग करेगा, बिजनेसमैन होगा बिजनेस करेगा, कुछ भी। दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल दे फील एंड रन देयर बिजनेस इज ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड्स एज सून एज द सन केम अप। तो जो किंगडम्स और मिनिस्टर्स है उन्होंने एक ऑर्डर किया कि एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, रात को सब जगेंगे और अपना अपना काम करेंगे। जो फील्ड है फार्मर्स है वो अपना फार्मिंग करेगा, बिजनेसमैन है वो बिजनेस करेगा आफ्टर डार्क, सांझ होने के बाद नाइट में। और एज सुन एज जैसे भी सनराइज होगा वैसे वो लोग सो जाएंगे। एनीवन हु डिसओबे वुड बी पनिश्ड विद डेथ, और उनमें से कोई भी इस बात को नहीं मानेगा, इस किंगडम में कोई भी जो वहाँ की जो प्रजा थी वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी। और पनिशमेंट कौन सी होगी? डेथ, उसे मार दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड वो फियर ऑफ डेथ, और वहाँ के जो पीपल्स थे लोग थे वो भी इस बात से डरते थे, इसलिए राज जो किंग था उसकी बात को वो फॉलो करते थे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइट एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, और किंग और जो मिनिस्टर थे वो दोनों अपनी बात से जो अपनी बात मनवा ली थी और उनमें वो लोग सक्सेस हुए थे इस प्रोजेक्ट में, इसलिए वो लोग ज़्यादा खुश थे, डिलाइट। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव इन द सिटी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी। इट वॉज ब्रॉड डेलाइट बट देर वॉज नो वन अबाउट। तो एक दिन इस शहर में एक रिलीजियंस मैन मीन्स अ गुरु, एक गुरु आता है इसके डिसाइपल के साथ इस सिटी में। वो लोग इस सिटी को इस किंगडम को देख के खुश हो जाते हैं क्योंकि वो जो किंगडम था वो बहुत सुंदर था। बट धूप निकली हुई थी सन, क्योंकि डे टाइम था, फिर भी वहीं पे उन लोगों ने किसी को भी नहीं देखा क्योंकि वही सब लोग सो रहे होते हैं दिन में। Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. Or everyone was asleep.
हर एक लोग वहाँ सो रहे थे। एक माउस भी स्टेयरिंग नहीं कर रहा था, माउस एक चूहा भी वहीं से गुजर नहीं रहा था। और जो कैटल्स मीन्स गाय भैंस और जो बकरियाँ जो पेट एनिमल्स होते वो भी उनको भी सिखाया गया था कि डे में सोना है। तो वहाँ के जो एनिमल्स और पीपल्स थे दोनों को पता चलेगा डे में सोना है और काम कर नाइट में काम करना है। द टू स्ट्रेंजर वर अमेज बाई वॉट डे सो अराउंड डैम एंड वंडर अराउंड टाउन टिल इवनिंग वैन सडनली द होल टाउन वॉक अप एंड वैन अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। तो ये जो टू स्ट्रेंजर थे, कौन डिसाइपल और गुरु, वो दोनों इस बात को देख के हैरान थे कि दिन में भी कोई वहाँ दिखता नहीं था। और चारों ओर घूमने लगे, वंडर घूमना, चारों ओर देखने लगे। वो शाम तक घूमते ही रहे। सडनली जैसे ही टाउन में नाइट की शुरुआत होने लगी तब सारे लोग जग गए और अपने नाइट बिजनेस के लिए निकल पड़े। द टू मैन वर हंग्री नाउ दैट द शॉप वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। ये दोनों मैन थे, टू मैंस डिसाइपल और गुरु, वो दोनों हंग्री थे इसलिए वो जब शॉप ओपन हुई तब वो ग्रोसरी खरीदने के लिए वहीं पे चल पड़े। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल टुडे वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास इट कॉस्ट अ डूडे। योर डूडे इज करेंसी, जैसे यहाँ रुपया पैसा चलता है वैसे ही उसके किंगडम में, इस किंगडम में करेंसी कौन सी है, डूडू। तो ये दोनों जो डिसाइपल और गुरु थे वो ग्रोसरी खरीदने के लिए वहाँ जाए शॉप, जैसे ही ग्रोसरी शॉप ओपन हुई वही चेक पे चले गए। तो वहीं पे जाके उसको पता चला कि कोई भी चीज़ परचेस कीजिए आप, कोई भी चीज़ चाहे वो राइस की बोरी हो या फिर बंच ऑफ बनाना हो, बनाना का एक बड़ा सा, जैसे आपने उसके ट्री बनाना ट्रीज पे देखा होगा जैसे लंबी एक लाइन लगी होती है बनाना की, तो आप पूरा खरीद लो तो भी एक वो सिंगल डूडे का ही होगा। एक उसका कॉस्ट कितना होगा, सिंगल डूडे। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइट दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रूपी। गुरु और डिसाइपल बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वहीं पे इतना सस्ता मिल रहा था, कुछ भी चीज़ लो एक डूडे में ही आ जाती थी, तो वो लोग खुश थे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस लाइक दिस, और उन्होंने कभी भी ऐसे सुना नहीं था कि ऐसी जो चीज़ है वो इतनी सस्ती मिल रही है। उन्होंने जितने भी उसको राशन चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, फूड चाहिए, वो उन्होंने एक रुपये में ही परचेस कर लिया था। वेन दे हैड कुक एंड ईटन द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। जब गुरु और डिसाइपल ने शिष्य जो ने वो कुक किया, उसके बाद खाने के बाद गुरु को रियलाइज़ हो गया कि ये जो किंगडम है वो फूल्स का किंगडम है और यहाँ लंबे समय तक रहना, यहाँ पर स्टे हो जाना ये उसके लिए अच्छी बात नहीं थी क्योंकि ये फूल्स का किंगडम, यहीं पर कुछ भी हो सकता था। दिस इज़ नॉट प्लेस फॉर अस लेट्स गो ही सेड टू हिज डिसाइपल। ये हमारी जगह नहीं है, हमारी स्टे रहने की जगह नहीं है, चलो हम चलते हैं, गुरु ने डिसाइपल से कहा। बट द डिसाइपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, एवरीथिंग वॉज चीप हियर, ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। और डिसाइपल गुरु की बात से सहमत नहीं था, वो वही वो प्लेस पे छोड़ के जाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ यहाँ जो चीज़ थी बहुत ज़्यादा चीप फूड थी, मीन्स सस्ती मिलती रही थी। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स दिस वॉन्टेड लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कॉन्ट टेल वॉट दे
विल डू टू यू नेक्स्ट। और गुरु ने कहा कि दे आर ऑल फुल्स, यहाँ सब लोग जो किंग और उसके मिनिस्टर्स थे वो सारे फुल्स हैं, मूर्ख हैं, मूर्ख हैं। और यहाँ पे लंबे समय तक रहना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। दे विल डू टू यू, आज आप अच्छे हो बोलो, कल आपके साथ क्या हो सकता है वो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ भी पनिशमेंट हो सकती है। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरु विजडम, ही वॉन्टेड टू स्टे। द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग एंड लेफ्ट। तो फिर गुरु ने डिसाइपल से कहा कि जो शिष्य था वो गुरु की जो समझ भरी बातें थी वो सुनना नहीं चाहता था और वो वहीं पे रुकना चाहता था। फाइनली गुरु ने गिव अप कर दिया और कहा कि आपको जो भी करना वो कीजिए, मैं जा रहा हूँ। और वो उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं, गुरु अपनी जगह इस किंगडम को छोड़ के चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन एट हिज फील्ड एवरी डे, बनानास एंड घीज एंड राइस एंड वेट एंड ग्रो फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड कैट बुल। बुल एक एनिमल आता है जिसे हम सांड कहते हैं। तो डिसाइपल वहीं पे स्टे हो गया और एवरीडे कुछ ना कुछ खाता ही रहा, क्योंकि वहाँ सब चीज़ें जो थी वो चीप मिल रही थी, राइस बनाना घीज ओके। और खा के वो इतना जाड़ा, इतना हैवी हो गया था कि जो रोड साइड स्ट्रीट साइड बुल्स होता है इतनी। तो राइटर ने यहाँ जो ऑथर है उन्होंने इस डिसाइपल को एक बुल के साथ कंपेयर किया, स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल के साथ कंपेयर किया। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस, ही हैड मेड अ होल इनटू द वॉल इन द वॉल एंड स्निक इन एंड एज ही वॉज कैरिड आउट हिज लूट। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस क्लोसेप ऑन हिज हैड एंड किल हिम ऑन द स्पॉट। क्लोसेप मीन्स ब्रॉक डाउन, क्लोसेप मीन्स ब्रॉक डाउन। तो एक ब्राइट डे, दिन में सब वहाँ सोते थे, तो एक ब्राइट डे में एक डे जो चोर था, थेफ वो चोर था, वो एक मर्चेंट के घर पे रॉबरी करने के लिए चला जाता है। और जो थेफ है वो मर्चेंट के घर पे जो वॉल है उसके अंदर एक होल करता है और उसके घर में चला गया। और उन्होंने सारी चीज़ें कैरी करी, सारी चीज़ें लूट ली थी। उसके बाद वो फिर से रिटर्न हो रहा था तो इस होल से, तो जो वॉल थी वो टूट जाती है, उसके सर पे गिरती है और वो वही जो चोर था वो वहीं पे जगह पे मर जाता है। हिज ब्रदर रन टू द किंग एंड कंप्लेन, योर हाईनेस व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल हिम। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। कंपेंसेशन मीन्स नुकसान की भरपाई करना, उसको कुछ भी दे देना ओके। परस्यूइंग मीन्स फॉलोइंग एंड एंसेंट्रेड मीन्स जो उसकी पुरानी परंपरा उसे चलाते रखना, ट्रेड काम को। तो उसके पुरानी ट्रेड किया थी तो क्राइम करना था, क्राइम मीन्स थेव वो चोर था। तो जो चोर था जो जगह पे स्पॉट पे मर गया था, उसका जो यंगर ब्रदर था छोटा सा भाई, वो राजा के पास चला जाता है और कंप्लेन करता है कि योर हाइनेस व्हेन, जब मेरे भाई हमारे एंशिएंट ट्रेड को फॉलो कर रहा था तब उसका उसके ऊपर दीवार गिरी और वो वहीं पे मर गया। तो और वो मर्चेंट को ब्लेम कर रहा था, तो जो फुल्स किंग है उसका वो फायदा उठा रहा था वो उसका भाई। जब मर्चेंट ने उसकी घर की जो वॉल थी वो अच्छे से बनाई होगी, गुड बिल्ट ओके, स्ट्रॉन्ग वॉल बनाई होगी, तब वो
घीटी नहीं हुआ मेरा भाई, मटन नहीं, ऐसा करके, और उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसने गलत किया है, रॉन्ग डूअर है, उसने गलत किया है तो उसको, उसकी फैमिली को उसकी नुकसान की भरपाई करनी होगी। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। द किंग ने कहा कि आपको जस्टिस मिलेगी, आपको न्याय मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। और उन्होंने समन मीन्स बुलाना, ओके, कॉल, समन मीन्स कॉल, उसने उस घर के जो ऑनर थे उसको बुलाया। When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" "Such as such, your highness." "Were you at home when the dead man burgled your house?" "Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you." तो जब मर्चेंट इस किंगडम के राजा के घर पे आया, किंग के घर पैलेस में आया, तब किंग ने उसको उसको क्वेश्चन किया, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। सच एज सच एज हाइनेस, तो उन्होंने बताया कि जो आपके घर पे जो बगलर आया था, राजा को भी पता है कि वो चोर है, कि उसको आपके घर पे डेट हुई है। तो मर्चेंट ने भी कहा, हाँ वो मेरे घर पे आया था, वो वॉल भी वीक थी और उसके ऊपर गिर गए, वो वहीं पे मर गया। और इट ऑन हीम अक्यूज प्लीज अ गिल्टी, तो ये आपकी गलती है और आपने इस वॉल के गिरने की वजह से आपने एक किल मर्डर किया है उसके भाई का, जो इस मैन का जो मैन खड़ा है उसके भाई का मर्डर किया है आपने, तो इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम। तो जो मर्चेंट है उन्होंने भी किंग को कहा कि ये हेल्पलेस मर्चेंट जो था उसने कहा कि ये जो वॉल बनाई थी वो सही से बनाई नहीं थी, इट डिड पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ मैन हु बिल्ड द वॉल, जो ये जो वॉल बनाई थी, जो जिसने वॉल बनाई थी उनका फॉल्ट था कि उन्होंने अच्छे से वॉल नहीं बनाई थी। जो ये अच्छे से वॉल बना था तो इस वॉल गिल्टी नहीं, तो पनिशमेंट किसको मिलनी चाहिए, जिसने वॉल बनाई है उसको। हु इज डैट, वो कौन है। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, आई नो द मैन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय। तो लॉर्ड मुझे जो किंग को कहा, किंग मुझे पता है ये जो वॉल थी मेरे फादर्स के टाइम में बनी हुई थी, वो आज एक रूड है, आई नो डम, और मैं उसे जानता हूँ, नियर बाय में ही, नज़दीक में ही रहता। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ड द वॉल, दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट। तो किंग फिर से उस ब्रिक लेयर को बुलाने के लिए, जो मैसन था उसको बुलाने के लिए भेजते हैं और उसे लेके आते हैं। यू आर डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम, तो उन्हें क्वेश्चन किया जाता है कि आपने इस टाइम में बनाई थी इस वॉल को। तो यस माई लॉर्ड, वो भी कहता है हाँ लॉर्ड। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस डैट यू बिल्ड, इट वॉज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल हिम, यू हैव मर्डर्ड हिम, वी हैव टू पनिश यू बाय डैट। तो वो कहता है कि ऐसी आपने कैसी दीवार बनाई है, ये दीवार जो आपने बनाई वो उस पुअर मैन के ऊपर गिर गई और वो वहीं पे मर गया, तो आप एक मर्डरर हो, तो आपको इस पनिशमेंट मिलेगी, आपको भी डेथ। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, द पुअर ब्रेक लेयर प्लीडेड, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड,
बट डेट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। तो जो ब्रेक लेट था, मैसन था, वो किंग को रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीट कर रहा है विनंती कि आप कुछ भी ऑर्डर लेने से, एक्सक्यूज करने से पहले मेरी एक बार बात सुन ले। हाँ, वो जो वॉल थी वो मैंने बनाई थी, बट सही है, पर जब मैं वॉल बना रहा था तो मेरा जो माइंड था वो एक जगह स्थिर नहीं था। मैं अपने मन से, क्योंकि मेरा मन डाइवर्ट हो चुका था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकल्स जिंगलिंग एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। जब मैं वॉल बना रहा था तब वहाँ पे एक डांसिंग गर्ल थी जो डांसिंग, और मुझे पूरा याद है कि वो जो डांसिंग गर्ल थी वो वहीं से पसार हो थी स्ट्रीट के साथ, जिसने उसके एंगल में एक जिंगलिंग साउंड की, जो जांजर कहते वो पहनी हुई थी वो बार बार बज रही थी। तो मेरी जो आइज थी, मेरी नज़र थी वो उसके ऊपर टिकी हुई थी और मेरा माइंड भी उसके ऊपर टिका हुआ था, तो इसलिए मैं इस वॉल को अच्छे से बना नहीं सका। यू मस्ट गेट डेट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर सी लिव्स, और मुझे पता है कि वो कहाँ पे रहती है। तो पूरा फॉल किसका था? डांसिंग गर्ल का था। यू आर राइट, केस डिपेंड, वी मस्ट लुक इन टू इट, इट इज़ नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट्स गेट द डांसर वेन एवर सी इज। तो फिर से वो जितना सीधा दिख रहा है इतना सीधा केस नहीं है, इतना इजी भी नहीं है जज करना, कॉम्प्लिकेटेड केस है, ऐसा कौन कह रहा है? एक जो फुल्स किंग है वो। और फिर से वो डांसिंग गर्ल कहीं भी जहाँ भी रहती हो उसको बुलाया जाए। तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।